एआरओ मंडी भर्ती का तीसरा दिन है और दूसरा बैच है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर 150 कैंडिडेट हैं और टाइम की अगर हम बात करें तो 5:30 होने वाले हैं, 5:25 हुए हैं। पहला बैच पूरे 5 बजे यहाँ पर दौड़ा था और नेक्स्ट उसके 25 मिनट बाद 5:25 पे दौड़ रहा है। तो पिछले बैच की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो फर्स्ट बैच जो था आज का उसमें 5:40 का टाइम दिया गया। अभी देखने वाली बात होगी ये जो सेकंड बैच है इसमें कितना टाइम यहाँ पर दिया जाता है। और पहले बैच में एक्सेलेंट में केवल एक ही कैंडिडेट उठाया गया है क्योंकि 5:30 तक केवल एक ही कैंडिडेट पहुँच पाए थे। तो अभी देखने वाली बात होगी कि इस बैच की प्रोग्रेस क्या होगी, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। यदि फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी अपडेट हैं आर्मी भर्ती के बारे में वो आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए फर्स्ट राउंड यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। आप देख सकते हैं समय अब तक 1 मिनट हुआ है, लगभग 5 से 7 सेकंड और लगेंगे शायद तभी ये कंप्लीट होगा। 1 राउंड कंप्लीट हुआ 1 मिनट 11 सेकंड में। दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हैं 1 पोजीशन पे। दूसरा बैच भी अपना दमखम दिखाता हुआ और धीरे धीरे पीछे से कैंडिडेट ड्रॉप आउट होते हुए और अंदर की तरफ जो रिजेक्टेड एरिया है कैंडिडेट्स का वहां पर जाते हुए। जाओ से बाहर खड़ा थी करा देखे बैठू हूँ तो 2 राउंड थोड़ी देर में यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे और अच्छा खासा दमखम यहां पर खिलाड़ी दिखाते हुए जो एथलीट हैं काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इनकी चल रही है इस समय आप देख सकते हैं। 2 राउंड कंप्लीट होने वाले हैं, समय 2:12 हुआ है। तो वीडियो में बिल्कुल संयम के साथ बने रहें, थोड़ा सा हम दूर हैं, शोर शराबे से दूर हैं इसलिए पीछे की आवाज़ें नहीं आ रही है, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आंखों देखा हाल है। ये सुनी सुनाई बात नहीं है कि कहीं से उठा के मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जो मेरे सामने हो रहा है वही चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो 2 राउंड यहाँ पर कम्प्लीट हुए हैं 2:33 में, लास्ट 800 मीटर बाकी है। अब देखते हैं कि इस 800 मीटर में कौन मोर्चा यहां पर मारता है और किसका सिलेक्शन होता है। ये खिचड़ी भाई ले अगले बंदे ने तीसरा राउंड प्रोग्रेस पे है और एक झुंड काफ़ी पीछे है आप देख सकते हैं। तो इनका तो अभी ग्राउंड निकालना पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि मार्शल्स ने इनको रोकना शुरू कर दिया है और फर्स्ट कैंडिडेट और लास्ट कैंडिडेट में तकरीबन 200 मीटर का गैप है आप देख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट में। तो अभी देखते हैं कि आगे का क्या सिस्टम यहाँ पर रहता है, कितना टाइम इनको दिया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी क्योंकि पिछले बैच में जो है 5 सेकंड कम दिए गए थे। हालांकि पिछले कल की बात करें तो 5:45 पूरा समय मिल रहा था, लेकिन आज जो है टाइम आप देख सकते हैं पहले बैच में 5:40 का दिया गया था। तो अभी देखते हैं कि कितना यहां पर टाइम मिलता है। तो फर्स्ट कैंडिडेट का लास्ट राउंड यहां पर स्टार्ट होने वाला है जल्द ही, समय हुआ है 3:58 में यहाँ पर लास्ट राउंड शुरू हो चुका है। तो अब देखते हैं कि इसको पूरा करने में ये कितना समय लगाते हैं और इसी पर डिपेंड करेगा इनका सिलेक्शन। अच्छी पोजीशन में स्टार्टिंग के खिलाड़ी, ठीक है, दूसरे भी अच्छी पोजीशन, तीसरा भी अच्छी पोजीशन, अरुण है दूसरे नंबर पे और आप देख सकते हैं अच्छी बढ़त यहां पर बनाई है। कितना टाइम यहाँ पर मिलता है सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए ये बचती है। तो काफी संघर्ष भरी कहानी यहाँ पर रहने वाली है। 4:04 हुए हैं,
ये 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और फिनिशिंग लाइन से लगभग 100 मीटर की दूरी है स्टार्टिंग कैंडिडेट की। तो राउंड यहाँ पे मोटी लंबी लाइन कंप्लीट होने वाला है। समय अब तक हुए हैं 5 मिनट 14 सेकंड। देखते हैं कि 5:30 तक कितने कैंडिडेट यहाँ पर पहुँच पाते हैं। अभी 5:20 हुए हैं और गाइज ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि इस बैच में टोटल आप देख सकते हैं कि 6 कैंडिडेट एक्सेलेंट में पकड़े गए हैं और उन 6 में से 3 कैंडिडेट अरुण, अतुल और युवराज हमारे अपने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक साथ जो है यहाँ पर एक्सेलेंट लगाया है। 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 5 मिनट 48 सेकंड में यहाँ पर कॉलम कंप्लीट कर दिया गया है, बच्चों को रोक दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें 8 सेकंड एक्स्ट्रा मिले हैं। तो फर्दर आगे की क्या डिटेल रहती है लास्ट तक, वो भी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।